वॉलेंटियर। यहाँ देखिए जरा एक बार, बहुत बढ़िया सर। संजय को गाओ, बोलिए गाना गाओ, कुर्सी लगा बोलिए। Rajendra, Sonam, they have been instrumental in the direction and help in the making of the... ज़्यादा देर और नहीं कर। सर यहाँ देखिए। भाई मुझे एक्टर मत बनाओ, मैं एक्टर नहीं। सर यहाँ देखो सामने देखिए सर। तो मैडम बोला तो खाएंगे मैडम। हेलो एवरीवन, दिस इज राजवीर। आई एम अ लिरिसिस्ट, कंपोजर, एक्टर, रैपर एंड ही इज माय ब्रदर, हिज नेम इज शानवीर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरीवन आउट देयर कि आप लोग आए और हम लोगों को इतना सपोर्ट किया, हमारी टीम को सपोर्ट किया, स्पेशली रमेश सर, फिर इरफान सर, राज सर, एवरीवन। सो थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग हियर। अभी अगर लेट्स टॉक अबाउट द सॉन्ग। सो द सॉन्ग टाइटल इज़ बिखर जाऊं। सो आई रॉड, मैंने इस गाने को लिखा था जस्ट टू इंश्योर दैट कि प्यार कैसा होता है ना, लोग चाहते कि हमें प्यार मिले, बट दिस सॉन्ग इज टिपिकली अ काइंड ऑफ अ सॉन्ग जिसमें जताना पड़ता है कि आई वॉन्ट टू लव यू, और मैं प्यार करता हूँ और मैं करूँगा नो मैटर वॉट कम्स। तो ये सारी चीज़ें इस सॉन्ग के थ्रू से हम लोगों ने प्रजेंट किया है। द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि इसको बहुत ब्यूटिफुली शूट किया है, तो ये वैलेंटाइन के पहले दिस इज़ गोइंग टू रिलीज ऑन FMD एक्सक्लूसिवली। एंड प्लीज़ डू वॉच द सॉन्ग, सपोर्ट अस एंड सब्सक्राइब FMD म्यूजिक चैनल। थैंक यू। मेरी जर्नी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन कि आप लोग यहाँ आए, और थैंक यू रमेश सर कि प्लेटफॉर्म दिया सॉन्ग के लिए, और सॉन्ग हम लोगों ने शूट किया, मेहनत किया इस सॉन्ग में, और बस आप लोग देखिए, प्यार दीजिए अपना जितना हो सके। थैंक यू। कैमरा रोल होगा। ओके भाई, चलो सामने। अरे अरे यार, फ्रेम नहीं है, इतना नहीं है, नहीं। अरे चौड़ा करो यार, चौड़ा पीछे जाना पड़ेगा ना। चौड़ा किसको, आपके हाथ में है सब। जी तो पीछे हो जाएगा, हाँ पीछे हो जाए पूरा। सर डन, चलिए नेक्स्ट। गाना हमने देखा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले जो पोस्टर था उसके बारे में कुछ बताइए, और कैसा एक्सपीरियंस रहा इस गाने का? सबसे पहले थैंक यू जी, बिल्कुल थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग FMD चैनल के लिए, आप लोग सब आए हो। एंड थैंक यू सो मच रमेश सर, जो ये गाने आपने पसंद किया, आपको अच्छा लगा, थैंक यू। और गाने के बारे में मैं ये कहूँगी, इस गाने का सिंगर है यश वाडाली, आप लोग शायद उनको जानते हो, और इसका डायरेक्टर है अविनाश सिंह, जो अभी दिल्ली में है, वो काफ़ी सारे मूवीज एंड सिंग मतलब सॉन्ग कर चुके हैं। मेरे ऑपोजिट में है हितेन,
शर्मा जो है वो टीवी एक्टर है एंड एक दो छोटे छोटे फिल्म भी किया है, ऑलरेडी कर चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लोग कोई भी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, यश कैलिफोर्निया. सो मुझे अकेले मेरे टीम रमेश जी एंड संजय जी पार्ट ऑफ टीम. सो इस गाने के बारे में मैं इतना कहूँगी कि वैलेंटाइन एक प्यार का डेज आता है, 7 डेज हम लोग रोमांटिकली बिताते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन उसके बाद आज के जनरेशन बोलते हैं ब्रेकअप हो जाता है, कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स होता है, आज नहीं तो 10 दिन बाद सही. सो इस गाने में एक्सपीरियंस ये रहा कि बहुत ब्यूटीफुल रोमांटिक, एक मैं ये नहीं बोलूँगी ये प्रॉपर रोमांटिक है, ये एक बिछड़ने वाली सॉन्ग है, सैड सॉन्ग है, जिसका एक्सपीरियंस मुझे हम लोग ने हमेशा देखते हुए आ रहे थे कि हमेशा क्या होता है लड़की डीच करते हैं या लड़का डीच करते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ होता है जहाँ पर दोनों एक दूसरे को डिस तो नहीं करते लेकिन एक साथ मिल भी नहीं सकते. तो ये गाना जब मैं कर रही थी, जब हम लोग लास्ट सीन कर रहे थे, तो मैं ओरिजिनली जो मुझे होना चाहिए कि वो फील अंदर में इतना ज़्यादा हो रहा था कि ऐसा भी होता है, हम लोग को तो एक कंटेंट है, चलो हम लोग ने उसके कंटेंट के ज़रिए हम लोग आप लोग के सामने प्रेजेंट किया, लेकिन रियल लाइफ में भी ऐसा भी होता है जो चीज़ को हम लोग इस गाने के ज़रिए दिखाने की कोशिश किए. और बहुत अच्छा लगा कि मुझे इस ग्रुप के साथ काम करने, ये रत्नागिरी में शूट किए हम लोग ने, काफ़ी एंजॉयमेंट भी किए हैं, रोपोए बोलिए, स्कूबा डाइव बोलिए, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग ने किए हैं, तो जो एक्सपीरियंस कभी नहीं था वो सब एक्सपीरियंस हम लोग ने लिया है इस गाने के ज़रिए. तो बहुत अच्छा लगा, आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा. और प्लीज़ 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 FMD में ये गाना रिलीज़ हो रही है, तो आप लोग प्लीज़ इसको देखिए और सब्सक्राइब 100% प्लीज़ हो तो कीजिए. और थैंक यू सो मच. थैंक्स. मैं दो शब्द बोलना चाहूँगा. पहले तो अपूर्वा जी को थैंक्स कहना चाहता हूँ कि FMD को चुना है उसने रिलीज़ के लिए, अपना गाना के रिलीज़ के लिए. तो FMD ये गाना हमने खुद नहीं प्रोड्यूस किया, इन्होंने बनाया, हमारे ज़रिए रिलीज़ कर रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू अपूर्वा जी, थैंक यू सो मच. एंड देन संजय जी जो मेरा मित्र है, तो इन्होंने दिखाया वो गाना हमको, तो मुझे अच्छा लगा एंड आई इमीडिएटली एग्रीड कि हम रिलीज़ करेंगे FMD में. एंड नथिंग बेटर देन ए वैलेंटाइंस वीक टू रिलीज दिस सॉन्ग, सो वी थॉट दिस इज़ एन ऐप टाइम, क्योंकि काफ़ी टीम जो है वो नहीं है यहाँ पर. यश अगेन मेरा अच्छा मित्र है, मैं उनके साथ और एक दो गाना भी कर रहा हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली वो कैलिफोर्निया में है तो वो नहीं आ पाए. तो बट हमने ये सोचा कि इसको रिलीज़ करना तो है, तो यू नो यही टाइम पे जो हम दूसरे गाने कर रहे थे, मैं थोड़ा हड़बड़ी में इनको करा दिया पोस्टर वगैरह. तो फाइनली यू नो द थिंग इज़ एंड ऑफ द डे द सॉन्ग शुड रीच द राइट ऑडियंस, तभी उसका वैल्यू बढ़ता है, राइट. यू नो आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, उसको सही से मार्केट नहीं किया तो एवरीथिंग इज़ अ वेस्ट, राइट. सो वी एट FMD बिलीव दैट द राइट सॉन्ग को राइट प्लेटफॉर्म देना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ व्हाट वी हैव बीन डूइंग सो फार. एंड टचवुड वी हैव टच्ड एटलीस्ट 4-5 गानों में तो मिलियन क्रॉस कर चुके हैं, एंड वेरी सून वी विल touch 10 million also, right? So that is what we are aiming at. So teen gaane hain, teen gaane mein se ek jo hai humne dekha, ek ka trailer release hua, ek poster release, correct. Aisa nahi lag raha ki sir jo ki valentine 14 tarikh ko, aaj 9 tarikh hai, kuch late ho rahe hain? Nahi bilkul, valentine se pehle hi ye teen gaane release hoga. Valentine to chalu gaye sir, rose day manana chalu gaya, rose day to hua hai. अभी रोज हाँ, तो ये डे एक डे में एक एक गाना रिलीज होते जाएगा, तो वी वांट टू कीप आवर ऑडियंस एंगेज्ड, राइट. सो एक एक डे पे एक एक गाना रिलीज होगा. आज रोडवेज हो गया, एक दिन छोड़ के फिर अल्टरनेट डे हम लोग बिखर जाओ रिलीज करेंगे, उसके बाद 2 दिन छोड़ के. फिल्म है हमारा, मेरा खुद का प्रोडक्शन में ड्यूअल सिम करके आने वाला है, तो उसका जल्दी अनाउंसमेंट होगा, राइट. एंड काफ़ी हम लोग साउथ में और बंगाली में कर रहे हैं. साउथ में मेरा पार्टनर भी है जो कन्नड़ मूवी, आई एम बेसिकली फ्रॉम हैदराबाद, सो आई हैव को प्रोड्यूस्ड मूवी कॉल्ड लाइफ ऑफ 3, राइट. सो ऐसे प्रोजेक्ट्स आर देयर, सो इट इज़ कीपिंग मी बिजी. सर
वेरी वेरी बिजी। सर एक सवाल और है। हाँ बोलिए। भोजपुरी का भी आपने जिक्र किया था। हाँ। भोजपुरी बहुत अच्छा कर रही है, मिलियंस में उसके भी जा रहे हैं। कौन सा आ रहा है, कोई कोई सिंगर है जो आप बताना चाहें? अच्छा, भोजपुरी में बिक्की बबुआ के साथ ऑलरेडी एक कर चुके हैं और कर रहे हैं, और दीपक क्या नाम, हाँ दीपक दिलदार के साथ करने वाले हैं, और काफ़ी बड़े, मैं नीरवा जी को भी जानता हूँ पर्सनली, वो भी अच्छे मित्र हैं, और काफ़ी बड़े लोगों के साथ भी हम जल्द करने आ रहे हैं। बट FMD का एक मोटिव है नया आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म देना, तो मेरा पहला प्रायोरिटी रहेगा जो अच्छे आर्टिस्ट है, जो नया आर्टिस्ट है उनको पहला मौका दे, बाकी तो है ही सुपरस्टार, तो हमको जरा उनको सुपरस्टार बनाने की ज़रूरत नहीं, हम नया सुपरस्टार लाएंगे, ढूंढेंगे। थैंक यू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हम लोग आज रोडवेज गाना रिलीज करने यहाँ आए हैं, तो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस सोनम शाह। शी इज़ बीन द डायरेक्टर फॉर दिस सॉन्ग एंड शी डिड अ वंडरफुल जॉब। शी इज़ बेसिकली अ कोरियोग्राफर, शी वर्क्स विथ गणेश आचार्य सर, एंड व्हेन आई टोल्ड हर, एक्चुअली वी थॉट इनिशियली she would choreograph the song, but the passion, the kind of intent she has shown made me ask her to direct the song. Okay, and she has done a wonderful job. She has put in lot of hard work, and she's a very hard working girl. And main hamesha newcomer ko yahi bolta hu ki हार्ड वर्क इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम वर्क स्मार्टली, क्योंकि हार्ड वर्क करना ज़रूरी है, बट उसके साथ आप इसका स्मार्ट वर्क का तालमेल हो गया ना, तो देन दैट इज़ व्हेन वेयर यू विल रीच द पीक्स, और यू विल बिकम ए सुपर स्टार और स्टार, वॉट एवर यू वॉन्ट टू। सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू इज़ इम्पॉर्टेंट। सो आई वॉज टेलिंग सोनम, गाइडिंग हर, she was again tensed because it was her first song, but then you know we kind of, you know, it was a team effort. End of the day everything is a team effort, and making a song or a movie or a short film, everything is a teamwork. So without team, again end of the day we are all nothing, you know. In fact I am nothing without this team, you know. We are all a team, right? So team ka bahut bahut importance होता है हर चीज़ में, तो हमेशा मैं यही बोलता हूँ कि जो न्यू कमर्स है लाइक सोनम एंड पीपल हु आर बिगिनिंग देयर कैरियर्स इन द फिल्म लाइन, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू टेक और कैरी पीपल अलॉन्ग विथ यू, बिकॉज इफ़ यू थिंक यू आर अ सुपर स्टार, यू आर नॉट, यू नो, पीपल विल मेक यू सुपर स्टार, राइट? तो ये बहुत ज़रूरी है, लोग वो भूल जाते हैं, वो सोचते हैं कि मैं ये सुपरस्टार हूँ, बट वो खड्डे में गिर जाते हैं। सो पीपल कैन नॉट बिकम ए सुपरस्टार विदाउट द पीपल पावर, पीपल विल मेक देम वॉट एवर दे आर। सो माय सजेशन विच आई गेव टू हर, आई थिंक शी डिड अ ग्रेट जॉब इन दैट, एंड शी हैज़ रियली डन ऑल हर बेस्ट एफर्ट्स एंड गिवन द आउटपुट। सो थैंक्स सोनम। Thank you, sir. Nice thank output. You. And even I'm so glad that sir ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, और हमने सारे हमारा सारा टीम ने बहुत मेहनत किया है। राज सर, राज कपूर सर, राज बंसाली सर, रमेश सर ऑफ कोर्स, द हेड, द CEO एंड MD ऑफ FMD। तो मुझे इन्होंने मौका दिया, चांस दिया, और हमने सबने इस एज अ टीम वर्क इसे करके कर दिखाया। थोड़ा डिफिकल्ट टफ सब कुछ था, हमने सब हैंडल कर लिया। जैसे कि रोड का सीक्वेंस आपने देखा होगा, वहाँ पे पब्लिक को रुकाना बहुत मुश्किल था, बट हमने टीम वर्क में सब रुका के बहुत अच्छे से शूट किया, बहुत अच्छे से इस गाने को अपग्रेड किया और यहाँ तक लाए हैं। और मैं चाहती हूँ सब लोग इस गाने को सपोर्ट करें, बहुत सारा प्यार दें और इस गाने को और आगे बढ़ाए।
थैंक यू सो मच. थैंक यू भवानी. रोडवेज तुझे वालू की यार. सर यहाँ पे देखिए सब लोग.